गाइस फाइनली आ चुका हूँ भाई साहब ताज होटल के पास में। ये हमारे पीछे ताज होटल और इस साइड में है गेटवे ऑफ इंडिया। तो भाई पब्लिक दबा के भाई मुंबई का शान देखने आए हो तो पब्लिक तो रहेगा ना मेरा भाई। तो सामने चलते हैं और इसके बाद में दिखाते हैं आपको समुद्र का नज़ारा और साथ में है गेटवे ऑफ इंडिया और इस साइड में हमारे सामने है ताज होटल। भाई होटलों में से सबसे प्रसिद्ध भाई इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट होटल है भाई ताज होटल, आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इंडिया गेट यानी भारत का प्रवेश द्वार भाई एकदम समुद्र के तट पर बना और ठंडी ठंडी लहरें आती हैं वो सारा सीन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको एलिफेंटा गुफाएं कैसे जाना है वो भी सीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लोग एलिफेंटा की गुफाएं भी जाते हैं और यहाँ पे कैसे आना है क्या हिस्ट्री वो सारा कुछ देखने को मिलेगा मेरा भाई। तो बस वीडियो को देखते रहना है, फुल इंजॉय करिएगा। देख रहे हैं आप हमारे साथ मुंबई, तो भाई चलते हैं शुरू करते हैं। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। कंट्रोल कंट्रोल सो गाइस शक्ल मेरी थोड़ा उलझी उलझी लग रही है क्योंकि अभी ट्रेवल करके आया हूँ भाई। उसके बाद में भी मैंने ट्राईपोड भी यहाँ पे लिया था और ये ट्राईपोड थोड़ा अच्छा वाला था क्योंकि ट्राईपोड वगैरह माइक वो सब घर पे ही था, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ा था, यहाँ पे 260 रुपए का लिया था जो आपको भी दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद में भाई अभी वहाँ से आने में लोकल ट्रेन में इस तरह से कुछ बाल वगैरह हो गए, यहाँ मेकअप करने का कुछ नहीं है, बस अपने को वीडियो बनाना है देखना है। तो भाई चलता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये पीछे हमारे है गेटवे ऑफ इंडिया और इस साइड में है ताज होटल। सो गाइस ये हमारे पीछे है ताज होटल का सीन और इस साइड से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में अभी हम इधर से एंट्री करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, ये पीछे है हमारे और ये साइड में है ताज होटल। बहुत ही प्यारा नज़ारा, मतलब सुबह सुबह इधर से धूप लगती है तो फोटो बहुत अच्छी आती है। तो दिखाते हैं आपको पूरा सीन और फिर देखते रहें। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर और उधर से गेट उसका अलग था, अलग से एंट्री करना पड़ता है। उसके बाद में इधर इस साइड में था वो ताज होटल, उधर से नहीं आ सकते, उधर से लगा था बैरिकेटर। तो इस साइड से थोड़ा घूम के आना पड़ता है और ये हमारे पीछे मुंबई की शान भाई साहब गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार। तो चलते हैं अभी पास से दिखाते हैं और इसकी जानकारी हिस्ट्री वो सारा सीन और यहाँ पे जैसे आपको आना है कैसे आना है वो सब कुछ आपको जानकारी भी मिलेगी देखने के लिए। तो फिर दिखाते हैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया का भाई नज़ारा क्या ही अलग है, बहुत अच्छा, बहुत ही पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा और सामने से इस साइड में धूप लग रही है तो ताज होटल भी काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। सो गाइस कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का और देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज़्यादा है और थोड़ा धूप है कम है, यानी कि थोड़ा तेज़ होता तो और अच्छे से फ़ोटो आ पाता, बट जो भी है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के भाई साहब। उस दिन आए थे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास से है रास्ता और चारों तरफ घूम के उस साइड में आते हैं और घर से आपको दिखाएंगे समुद्र का नज़ारा बोट वहाँ पे किस तरह से, उसके बाद में बताएंगे आपको एलिफेंटा गुफाओं के जाने के लिए क्या है सीन और कितना रुपए लगेगा कितना टाइम लगता है। इधर से लोग जाते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, तो अभी चलते हैं साइड में वहाँ से और पहुँच के दिखाते हैं क्या है अंकल। Thank you.
एलिफेंटा क्यों? सो गाइस ये है बैक साइड का एरिया और यहाँ से ये पीछे समुद्र का नजारा, काफी ठंडी ठंडी हवा भी आती है और यहीं से आप एलिफेंटा भी जा सकते हैं। यहीं से आपको बोट मिल जाएंगे एलिफेंटा जाने के लिए, 250 रुपये टिकट है तो यहाँ से बोट से, और 1 घंटे का टाइम लगता है बोट से एलिफेंटा जाने में। तो आप अगर आएँ तो यहीं से जा भी सकते हैं। तो इस साइड से चलते हैं अभी हम उस साइड में, और अभी आपको चलते हैं वहाँ पे ताज होटल ही सामने है तो वहाँ से अभी दिखाते हैं आपको ताज होटल का सीन। तो फिर चलते हैं आगे। गाइस फिर से आ चुके हैं उसी जगह पे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अभी हम चल रहे हैं अब ताज होटल के पास में। और भाई अगर आपको टिकटॉक रील्स बनाना पसंद है तो आप आ सकते हैं, इस तरह स्टैंड धर के वीडियो बना सकते हैं, डांस वगैरह सब कर सकते हैं। पीछे का सीन भी काफ़ी अच्छा आएगा, कई लोग आते हैं अपना डांस वगैरह, जो लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं डांस का बनाते हैं, अपना रील्स बनाते हैं, स्टार लोग हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। सो गाइज ऐसा बैरिकेटर लगा था जिसकी वजह से इस साइड से नहीं आ सकते, डायरेक्ट जो लोग आते हैं वो आते हैं ताज होटल के पास लेकिन इधर से नहीं आ पाते हैं। इसलिए अगर आप आते हैं तो उधर पहले से ही इधर को रास्ता है, गेटवे ऑफ इंडिया देखिएगा, फिर उसके बाद में इधर से जाइएगा ताज होटल देखिएगा। तो भी चलते हैं ताज होटल देखते हैं और फिर उसके बाद में आपको घुमा देते हैं, समुद्र उधर से दिखा देते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, उधर से लाइट आ रहा है, धूप आ रहा है इसलिए थोड़ा अच्छा आ रहा है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जिसको मैं कभी फिल्मों में और सब दूसरों के वीडियोज में देखा करता था वहाँ पे आज आया हूँ खुद वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। बस ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, दुनिया तो घूमना ही है। सो गाइस देख सकते हैं ये है समुद्र का किनारा और इस साइड में चारों तरफ सिर्फ बोट ही बोट दिख रहे हैं, कलर रंग बिरंगी नाव। और इस साइड में है ताज होटल का सीन। भाई नवंबर 2008 की बात है जब इसी होटल पर आक्रमण हुआ था और 3 आतंकवादी थे यहाँ पे काफ़ी नुकसान, पूरा होटल को तहस नहस कर दिया और कई जवान भी शहीद हुए थे, कई पर्यटन का भी नुकसान पहुंचा था और लोगों के अंदर भय बन गया था। लेकिन काफ़ी खर्चा करने के बाद फिर इसको सही से बनाया गया और फिर से ताज होटल चालू हुआ और तब से 2010 से फिर चालू हो गया था। फिर उसके बाद में लोग पर्यटन सब आते रहे और आज अच्छे खासा चल रहा है, अच्छा खासे लोग आ रहे हैं पर्यटन। उसके बाद में यहाँ पर विदेशी लोग भी, काफ़ी फॉरनर लोग भी आते हैं। और इस होटल में, ये होटल लगभग 116 साल पुराना है और यहाँ पर 560 कमरे हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो फिर चलते हैं। भाई साहब मतलब अगर कोई गोरी लड़की यानी फॉरेन विदेशी लड़की अगर कोई आ गई ना तो उसके साथ फ़ोटो खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता भाई। ऐसे में मैं भी पहुंच गया और मैंने भी वीडियो भी शूट कर लिया और एक दो फोटो भी क्लिक करा लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सुना वाला बहुआ। तो गाइज ये सब पूरा था गेट वे ऑफ इंडिया एंड ताज होटल का सीन। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारे साथ मुंबई।